पता नहीं क्या नाम रखा है इसका, और रखा क्या है इस लड़की में, कौन है, कोई और नहीं मिली थी उसको। अस्सलाम वालेकुम लाला। हाँ लाला, नहीं मैं बात कर रही हूँ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे मेरे मैसेज का? यार तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पता नहीं, गला खराब है, 3 दिन से बुखार है, अभी मैं दवाई खा के सोने लगा था। सॉरी यार, तो मैं रिप्लाई नहीं कर सका। कोई बात नहीं, तुम ख्याल रखो अपना। तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे ऐसी बात करने की? क्यों ना करती, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, लड़का कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं, ऑफिस में क्लर्क है मामूली सा, सारी जिंदगी फाइलों के दरमियान में सर खुजा खुजा कर गंजा हो जाएगा। क्या देख रहे हो, अपनी इज्जत का इतना डर होता ना, कोई ढंग की नौकरी करते, सियासी सिफारिश पर नौकरी ना पकड़ लेते। बड़े फखर से कहते थे, बेगम देखो मुझे अपने लीडर की सिफारिश पर नौकरी मिली, अच्छी सी तनख्वाह पे। लीडर गया, साथ में नौकरी भी गई, और शुक्र है भले वक्तों में हमने घर की किस्तें देकर घर खरीद लिया, कमेटी डाली थी मैंने, वरना आज सड़क पर बैठे होते झोंपड़ी डाल के। अरे तुम भी तो बहुत फखर से फिरती थी उन दिनों, हाँ ना, कभी कहती थी उसकी सिफारिश कर दो, उसको नौकरी दिला दो, इसको नौकरी दिला दो। अच्छा ही हुआ नौकरी नहीं दिलवाई आपने, वरना मेरी नाक कट जाती। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे जानने वालों को मैं। मेरा मुंह ज्यादा ना खुलवा, मैंने सारा कच्चा चट्ठा आपका खोल के ना यहाँ रख देना। अरे तुम क्या कहानियां ले बैठी हो, मैं तो अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ, खुद सोचो, कल कला को दफ्तर में कोई लड़की फंसा कर आ गया 2-4 महीने बाद, तो क्या कर लोगे? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लड़का बहुत शरीफ है और हमारी बेटी से प्यार करता है। प्यार, प्यार की तो आप बात ही ना करें, आप भी तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे, क्या हुआ फिर नौकरी की यहाँ पर साथ ही छोकरी पर नजर पड़ गई, क्या नाम था उसका? अरे जहरा। देखा, हाँ भूले नहीं आप, बिल्कुल याद है आपको, शुक्र है खुदा का मेरी आंखें खुली थी, वरना आप तो मुझे कब्र तक पहुंचा कर दम लेते। देखो ना मैं उस वक्त गलत था ना मैं आज गलत हूँ, तुम मुझे उस वक्त भी गलत समझ रही थी, आज भी गलत समझ रही हो, और हाँ गौर से मेरी बात सुन लो, अफशीन की शादी उसकी पसंद की जगह पर होगी। हो ना, करो पसंद की जगह पर उसकी शादी, मैंने कब मना किया, बस मकान मेरी बेटी के नाम लगा दे। मुझे यकीन था वो कोई ऐसी ही शर्त रखेंगे। अब्बा उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। और तू तो चुप ही कर जा, वो लड़की वाले हैं और वो भी गरीब, लैंडलॉर्ड नहीं है जो हम उनकी बात माने, हमें भी अपनी बात मनवाने का हक हासिल है। अब्बा वो इस काबिल नहीं है कि हमारी कोई भी बात मान सके। तो क्या मैं उनकी बात मान लूं? तो इसमें हरज ही क्या है, हमारा बेटा प्यार करता है उससे। और फिर हमारे पास सब कुछ इसी का तो है। और इसका नहीं है, उसका भी है, उसका गला दबा दूं?
मेरा आखिरी फैसला सुन लो, अगर वो अपनी बात पर डर रहे ना तो यह शादी नहीं होगी। समझा समझा अपने बेटे को, मुझे पागल समझता है ये। क्या बात है, आज मूड खराब करके आए हो ताकि कोई मिठाई ना खिलानी पड़े। अरे खास मिठाई खिलानी है तारक भाई, लड़की वालों ने तो दिमाग खराब करके रख दिया। कोई डिमांड रख दी होगी ऐसी वैसी, कह रहे हैं कि लड़की के नाम लिखवाओ अपना घर अपना मकान। अब देखो ना आजकल की शादियां दो दिन चलती हैं, कल कल आंखों कुछ हो गया तो हम तो आ गए ना सड़क पे। बात तो ठीक है तुम्हारी। यार जी मिसना नहीं आया? यार उसकी बेटी को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे। अच्छा भाई, उसके घर में आपको लड़के वाले डिमांड ना रख दे। अल्लाह ना करे, बस बेटियों के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। हाँ यार बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, अल्लाह करे सब बेटियों के नसीब अच्छे हो। आमीन। चाय पियोगे? चाय ले आना भाई जरा। देखिए फना पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।